हरे कृष्णा। आज मैं आपको पूरा नाश्ता का मेनू बताने वाली हूँ। पराठे होंगे जिसमें फुटाना दाल पड़ेगा और सूजी का हलवा और गाजर मेथी की सब्जी। तो कोशिश कर रही हूँ फास्ट बनाने की। देखिए आप, पहले आपको मैं चीज़ें दिखाती हूँ। ये हमने सूजी लिया है, ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश और काजू, और ये है गाय का दूध और घी, इलायची, ठीक है, केसर। इसके बाद ये है फुटाना दाल, इसको मैं मिक्सी में पहले पीस लेती हूँ। तो ये आपका फुटाना दाल का पाउडर तैयार हो गया। एकदम महीन पाउडर बनाना है, ठीक है, फिर इससे पराठे बनेंगे। तो मैं आपको पहले हलवा स्टार्ट करते हैं। आप ये नहीं समझिए कि हलवा तो बहुत इजी है, तो माता जी हलवा क्यों सिखा रही हैं। इजी तो है हलवा, पर फिर भी देखिए जरा कि मैं कैसा बनाती हूँ। हर व्यक्ति का थोड़ा अलग अलग होता है ना। तो घी डाला मैंने कढ़ाई में और घी गर्म होने के बाद सूजी। जितना घी पड़ना चाहिए ये अगर आप बहुत अच्छा हलवा बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा घी ज़्यादा डालना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा है कि हम ज़्यादा घी नहीं खा सकते हैं तो आप थोड़ा कम, पर बहुत कम नहीं। वास्तव में आपको दिखा रही हूँ कितना, कम से कम इतना तो घी पड़ना चाहिए कि ये मिक्स हो जाए, और अगर थोड़ा ज्यादा पड़ेगा तो और भी अच्छा है। वास्तव में हलवा का रूल है कि सूजी जितना उतना ही घी भी। अब ये एक साइड भुना रहा है क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा नहीं होता है, इसीलिए हम आपको एक साथ दो तीन काम करके दिखाती हूँ मैं। अब मुझे गाजर और मेथी की सब्जी बनानी है। कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें तेल डालेंगे। आप जो तेल खाते हैं वो तेल डालिए। और ज्यादा तेल मैं नहीं डालती हूँ वास्तव में, फिर भी अभी थोड़ा सा ज्यादा ही डाला है आपको सिखाने के लिए। तेल में मुझे डालना है जीरा। हलवा को मीडियम आंच पे धीरे धीरे भून रही हूँ, और जब सूजी थोड़ा भून जाए तो ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल देंगे, तो ड्राई फ्रूट्स भी एक साथ भूनता रहेगा।
इसमें मैंने डाला जीरा, अभी मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च और जीरा पक जाने के बाद उसमें डालना है मेथी, और मेथी धो के काट के महीन महीन रखा था। मेथी डालने के बाद मसाले डालिए, नमक, आपको गाजर जितना है, दोनों करीब करीब बराबर लेना है, तो गाजर जितना है उसके हिसाब से नमक एक ही बार डाल दीजिए। धनिया पाउडर, जीरा मैंने ऑलरेडी डाला है इसलिए मैं जीरा पाउडर नहीं डालूंगी। इसको हल्का सा भून रही हूँ मैं, क्योंकि मैं मसाले जो डाले हैं वो भुनाना जरूरी है। आपको सब्जी मसाला या पाव भाजी मसाला जो भी आपके पास है, या छोले मसाला बिना प्याज लहसुन का जो है वो थोड़ा डालिए। और आप ध्यान दीजिए कि अच्छे कंपनी का मसाला होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इसमें हमने धनिया पाउडर डाला, मसाला डाला और भूना सबको अच्छे से, थोड़ी सी हल्दी भी। और साथ साथ में ये भी भून रहा है। अब देखिए आप एक साथ मत बनाइएगा, हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, वीडियो बड़ा नहीं हो इसीलिए मैंने एक साथ बनाया है, ठीक है। हल्दी भी डाल दिया, ये ऐसे भून जाएगा। और इसके बाद आपको इसके ऊपर गाजर डाल देना है, और गाजर डाल के चलाना नहीं है, ध्यान रखिए, खाली ढक देना है इसको। और यहाँ एकदम गैस स्लो, यहाँ सूजी करीब करीब हमारा हो गया है। अभी इसमें मैं दूध डालूंगी, केवल दूध, नो पानी। कितना दूध डालना है ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हम इलायची और केसर। स्वीट डिश सबको बहुत पसंद है सीखना, पर मुझे सिखाने के लिए बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद उसको खाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कम बना रही हूँ। इलायची को छिलका सहित मत पीसिए, इलायची को ऐसे करके उसका छिलका निकाल के सिर्फ उसका जो बीज है वो आपको डालना है कूट के। तो मैंने इलायची डाल दिया, केसर, पता है आपको, ऐसा थोड़ा सा केसर डालिए, और उसको अगर फ्रिज में आप केसर रखते हैं तो वो रहेगा क्रिस्पी, सिर्फ हाथ से उसको मसल देना है।
अगर दूध में भिगो के रखे हैं केसर तो बहुत अच्छी बात है पहले से ही, और नहीं भिगो के रखे हैं तो मसल दीजिए। इसके बाद आपको केसर इलायची डालने के बाद एकदम मिनिमम पे करके ढक देना है हलवा को। सब्जी आपका मैक्सिमम 5 मिनट 3-4 मिनट ऐसे करके ही सब्जी को ढक के रखना था। इसके बाद गाजर और मेथी सबको मिक्स कर देना है चम्मच से चला के। ये देखिए सब मिक्स हो चुका है। इसके बाद आपको इसको अब पकाना नहीं है, पक चुका है और सिर्फ क्या करना है इसको ढक देना है, गैस बंद कर देना है। ये मिनिमम मतलब ढका रहेगा तो हल्का हल्का जो भी थोड़ा सा कसर रह गया है वो पक जाएगा हल्का हल्का। ऐसे तो पक ही जाता है गाजर, अगर ढक के रखा तो 5 मिनट में गाजर पक जाता है। क्योंकि गाजर क्या है मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी, गाजर को मैंने धो के छील के ग्रेट करके रखा था, मेथी को भी धो के काट करके रखा था। तो गाजर होना चाहिए ग्रेटेड, खिसने से खिसते हैं। तो गाजर और मेथी की सब्जी बन गई है। अब हलवा को देखना है। देखिए हलवा में अभी तक मैंने चीनी नहीं डाला है तो हलवा जो है अब हलवा ने पूरा दूध को सोख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी कोई कम खाते हैं कोई ज्यादा, पर ये ध्यान रखिए हलवा कम चीनी में अच्छा नहीं बनता है। वास्तव में रेशियो क्या है हलवा का, जितना घी उतना चीनी और उतना सूजी, तीनों चीज जो इसको आप रवा कहते हैं ना, अभी हलवा तो आपको पता है कैसा दिखता है। केसर अगर आप पहले से भिगो के रखेंगे तो पीला दिखेगा, और मैंने पहले से नहीं भिगोया था तो हल्का दिख रहा है पीला, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे बना के देखिए बहुत अच्छा लगेगा। घी ज़्यादा डालेंगे, अगर सूजी और घी ऐसे आपस में तैरता रहेगा दोनों मिल के तो हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। घी कम डालेंगे तो थोड़ा कम टेस्टी बनेगा। तो हलवा तैयार है। अब पराठे, तो ये फुटाना का आटा मैंने गूंथ के रखा हुआ है। आटा आप अब गूंथते हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं, आटा बहुत कड़ा और गूंथी है। पराठे के आटे जो होते हैं ना, ये देखिए नरम, नहीं तो कड़ा आटा गूंथेंगे तो पराठे फट जाएंगे। इसमें आप अगर घी अजवाइन और नमक देकर गूंथे हैं तो और ज्यादा टेस्टी बनेगा, और अगर प्लेन गूंदेंगे तो भी बन जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमको ये फुटाने में क्या क्या डालना है दिखाती हूँ आपको। फुटाने का बन रहा है ना, तो ये कढ़ाई
सबका अलग अलग स्टाइल होता है बनाने का। इसको बिहार में सत्तू कहते हैं। मैंने आपको इसलिए फुटाना से बताया क्योंकि यहाँ सत्तू मिले नहीं मिले, और मिलता भी है तो कब कभी पुराना मिलता है। सबसे अच्छा है फुटाना दाल लेना है, पीस लेना है उसको, सत्तू तैयार, और कुछ नहीं होता सत्तू में। सरसों का तेल डालिए कड़ाही में, उसको पकने दीजिए एकदम थोड़ा सा, बहुत तेल नहीं पड़ता है, ठीक है, एकदम थोड़ा सा तेल डालिए, उसको पकने दीजिए। और बघार में आपको डालना है सौंफ, जीरा नहीं, राई नहीं, सौंफ, ठीक है, और हरी मिर्च, अदरक भी काट करके आप डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं ज्यादा अदरक नहीं खाती हूँ, पर आप डाल सकते हैं अदरक। तो इसमें मैं सौंफ डालूंगी बघार में, ठीक है। सौंफ क्रैकल होने लगा, हरी मिर्च काट के रखा है वो डाल दिया, अब इसमें बहुत मसाले नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो हम जैसा बनाते हैं अपने लिए वैसा ही आपको बता रही हूँ। अगर थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। और इसके बाद हमको इसमें डालना है कसूरी मेथी को लेके थोड़ा सा रगड़ के डाल दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, कसूरी मेथी को बहुत नहीं पकाना है, ठीक है। तो सौंफ हरी मिर्च कसूरी मेथी, बस इसको हमने चला लिया। गैस बंद करने के बाद ये इसको डाल देना है, ये बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनना है, हल्का सा इसमें ये सब मिक्स हो जाए और हल्का सा ये जो है फुटाना दाल वो भुना जाए, इस हल्का सा एकदम। गैस बंद करने के बाद कितना हल्का होगा आप समझ जाइए। इसमें अब नमक डालिए, नींबू का थोड़ा सा रस, तो मैं आपको बता दूं एक और चीज मेरी कि नींबू ना जब मेरे घर में ज्यादा आ जाता है तो मैं उसको उसके रस को निकाल के और उसको फ्रीजर में जमा देती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है, ये नींबू का रस है। तो कभी भी नींबू घर में नहीं रहा तो कोई टेंशन नहीं। अब ये नींबू का रस डाल देंगे इसमें, कितना डालना है जितना खट्टा आप पसंद करते हैं। और ये सब डालने के बाद थोड़ा सा पानी, ये भून गया। अब देखिए, आप देख लीजिए इसमें कितना तेल पड़ता है, ये बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए, ये तेल वाला नहीं होना है, बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इतना पानी ये एक साथ सिमट जाए। बिहार में जो लिट्टी बनता है, लिट्टी चोखा, ये उसी टाइप का है मगर एग्जैक्टली लिट्टी नहीं है। तो ये आपका बन गया सत्तू का पेस्ट जैसा, बहुत पानी नहीं डालना है, ध्यान रखिए। अब इसको हम एकदम बड़े बर्तन में ऐसे रख देंगे क्योंकि गरम गरम है और मुझे पराठा बनाना है, गरम गरम में पराठे नहीं बनते हैं, इसको हल्का ठंडा होना जरूरी है। तो जल्दी जल्दी वीडियो बहुत बड़ा नहीं बन जाए, इसलिए मैं ट्राई करूंगी आपके सामने फटाफट गरम ही थोड़ा बना करके। तवा हम चढ़ाएंगे और बस अब पराठे शुरू।
पराठे हमेशा देसी घी पे बनाइए, गाय का देसी घी। आटा लेना है, पराठा तो बनाना आपको मालूम है, आटा लेना है। उसका गोल बनाना है, उसके अंदर ऐसे कैविटी बनाना है ना, ऐसे हम लोग ऐसे बनाते हैं। रोड वाले जो है वो अलग तरीके से बनाते हैं, स्ट्रीट फूड वाले कैसे कैविटी बनाना है। और इसमें ये जो फुटाना का बनाया उसको भर देना है, और अब इसको ये बिल्कुल नहीं फटेगा अगर आप वो सब करिएगा जो मैंने आपको बोला। हमेशा पराठे के आटा का आटा गीला होता है थोड़ा, तो मैं आपको एक पराठा बनाकर बताऊंगी ताकि फास्ट वीडियो बन कर सको। पहले फ्लिप कर दीजिए, पलट दीजिए पहली बार जल्दी थोड़ा। दो तरह से लोग पराठे बनाते हैं, एक में बहुत घी डालते हैं और घी में तैरता रहता है पराठा, और मैं वैसा नहीं बनाती हूँ, उतना भी खाना मुश्किल है। देखिए पराठा फूल भी रहा है, फूल जाएगा पराठा। आपको दिख रहा है अच्छे से दबा के पलट पलट के सेक लीजिए। देखिए तो हर माता जी को आता है, लेकिन कोई प्रभु जी भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो देखिए पराठा तैयार, पराठा भी तैयार, हलवा भी तैयार और मेथी भी तैयार। मेथी गाजर की सब्जी बहुत हेल्दी होती है, सब्जी गाजर और मेथी की। और ये नहीं कि इसी पराठे के साथ खाना है, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और तो प्लीज़ आप समझिए कि मैं आपको न्यूट्रिशंस ही बताऊंगी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें कुछ फ़ायदा है। और ये सब जितनी चीज़ें, हलवा भी आप ऐसे ही बनाइए जैसा मैंने बताया, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। हरे कृष्णा।